हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फ्रूट जेली केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम ट्री कलर में बनाएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिस मोल्ड में आपको केक सेट करना है, उसे हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम ऑरेंज लेयर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक गिलास ऑरेंज जूस ले लिया है। आधा गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तीन टेबलस्पून ही हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसे गैस पर पका लेंगे। इसे हम गैस पर थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया। जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर चेक कर सकते हैं टेस्ट करके। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी और भी डाल सकते हैं। अब ये ऑरेंज लेयर एकदम थिक हो गई है। अब हम गैस को बंद करके इसे 1-2 मिनट ठंडा कर लेंगे, फिर मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। अब हम ऑरेंज लेयर को मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। इसे थोड़ी देर यहीं पर सेट होने के लिए रख देंगे हम किचन में। फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। हम व्हाइट लेयर रेडी करेंगे। मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है। आप ध्यान रखिए कि आपको सेकेंड लेयर तभी रेडी करनी है जब आपकी फर्स्ट जेली थोड़ी सी जम जाए। आधा गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। ये मैंने एक बनाना की प्यूरी बना ली थी, थोड़ा सा दूध डालकर हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 चम्मच हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। इस बार हम शुगर थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम इसमें किसी भी जूस या किसी मीठे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे गैस पर पका लेंगे। अब हम इसे थिक होने तक अच्छे से पका लेंगे। व्हाइट लेयर भी थिक हो गई है। अब हम गैस को बंद करके इसे मोल्ड में डाल देंगे। ये देखिए, जेली एकदम अच्छे से जम गई है। अब हम इसके ऊपर व्हाइट लेयर डाल देंगे। इसे हम 1-2 बार टैप कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही रहने देंगे, फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम थर्ड लेयर रेडी कर लेंगे, ग्रीन वाली। ये मैंने लीची जूस लिया है। आधा गिलास हम इसमें लीची का जूस डाल देंगे। 1 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूंगी। हमने इसमें शुगर पाउडर डाल दिया। 3 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन फूड कलर डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गैस पर पका लेंगे। इसे हम थिक होने तक अच्छे से पका लेंगे। अब ये काफी थिक हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे 1-2 मिनट के लिए हम ठंडा कर लेंगे, फिर हम मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। ये व्हाइट लेयर भी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन वाली लेयर डाल देंगे। इसे हम 1-2 बार टैप कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। जेली केक को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। कितने अच्छे से बनकर रेडी हो गए। अब हम इन्हें फ्रूट से डेकोरेट कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।
वॉचिंग।